चार दशक के बाद एक बार फिर से पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर का पवित्र रत्न भंडार खुलने जा रहा है। आज दोपहर को रत्न भंडार को खोला जाएगा और इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। उड़ीसा की पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर का पवित्र रत्न भंडार दशकों बाद आज खुलने जा रहा है। आज रत्न भंडार में रखे रत्नों की मरम्मत किए जाने के साथ उनकी गिनती भी की जाएगी। महाप्रभु जगन्नाथ के रत्न भंडार में मौजूद आभूषणों की संख्या, गुणवत्ता, वजन, फोटो चित्र संबंधित डिजिटल कैटलॉग भी तैयार किया जाएगा, जिसे भविष्य में एक संदर्भ दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इन तमाम प्रतिक्रियाओं में धार्मिक भावना, स्वच्छता और पारदर्शिता को अहमियत दी जाएगी। इस संदर्भ में पेश SOP मंदिर प्रशासन को सौंप दी गई है। साथ ही श्री मंदिर के मुख्य प्रशासक को जरूरत के हिसाब से काम करने को कहा गया है। गौरतलब है कि रत्न भंडार आखिरी बार साल 1978 में खोला गया था। भगवान के रत्न भंडार को आज निश्चित तौर पर खोले जाने का दिन तय किया गया है। सरकार ने ये भी तय किया है कि कौन किस समिति में होगा। प्रत्येक काम को विधि सम्मत किया जाएगा। मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों को बाद में शामिल किया जाएगा। ASI की टीम के साथ साथ प्रमुख विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही स्नेक हेल्पलाइन और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी मौके पर मौजूद रहेंगे। क्योंकि रियल टाइम निगरानी के लिए एक डिजिटल हाईटेक कमांड कंट्रोल सेंटर को बना दिया गया है। प्रशासन को यात्रा सुरक्षित तरीके से संचालित करने में मदद मिल सकेगी। अमरनाथ यात्रा सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है, इसलिए जम्मू कश्मीर प्रशासन तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा से जुड़े हर छोटे बड़े पहलू को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने तीर्थयात्रियों को सुविधा देने के लिए हाईटेक कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना का निर्देश दिया था। कंट्रोल सेंटर में यात्रा से जुड़े करीब 27 सरकारी विभागों के करीब 60 कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। हाईटेक कमांड कंट्रोल सेंटर में काम करने वाले विभागों में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, NDRF, SDRF, स्वास्थ्य, PHE, PTD, दूरसंचार और कई दूसरे महकमे शामिल हैं। बेस कैंप से लेकर गुफा तक के पूरे रूट पर करीब 17 PTZ हाई डेफिनेशन 360 डिग्री व्यू कैमरे लगाए गए। बालटाल और चंदनवारी बेस कैंप दोनों से ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर दर्जनों स्टिक कैमरे लगाए गए। PTZ कैमरे जो ट्रैक पे लगने हैं, जो हमारा कमांड इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है, उससे हमारा बाजाबता उसकी मॉनिटरिंग हम करते हैं। कोई भी हमें इमीडिएटली जो डिसीजन लेना होता है वो ले लेते हैं। सरकारी अनुमान के मुताबिक पहले 15 दिनों में करीब 3 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ यात्रा पूरी की है और हर यात्री इस साल के इंतजामों से बेहद खुश और संतुष्ट नजर आया। वहीं देखिए, घाटी में आतंकवाद पनपने के बाद अनंतनाग में बंद पड़े प्राचीन उमा भगवती मंदिर को 34 साल के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है और इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कश्मीरी पंडितों और स्थानीय लोगों ने खुशी का इजहार किया। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में मौजूद उमा भगवती मंदिर 34 साल बाद पूजा के लिए खोल दिया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित मंदिर दर्शन करने पहुंचे और पूजा अर्चना की। मंदिर में 34 साल बाद घंटी की आवाज सुनकर कश्मीरी पंडित काफी खुश दिखाई दिए। स्थानीय कश्मीरी लोगों ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के बिना हम अधूरे हैं, उनका हम काफी समय से इंतजार कर रहे थे। लोगों ने कहा कि हमारी आस्था इस मंदिर के साथ है। कश्मीरी पंडितों के साथ हमारा भाईचारा आगे भी ऐसे ही रहना चाहिए। कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी लोगों का शुक्रिया अदा किया कि 34 साल के बाद ये उमा भगवती मंदिर जो है ये दोबारा खुल रहा है, तो हमारे मन में बहुत खुशी है। 1990 में कश्मीरी घाटी में शांति के बाद इस मंदिर को भी तोड़ दिया गया था। अब 34 साल बाद श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर खोल दिया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी पंडित बरादरी यहाँ आया। हम सब लोग अपनी पंडित बरादरी के साथ है। अशांति के बाद मंदिर और धर्मशालाएं पूरी तरह नष्ट हो गई थी। सभी कश्मीरी पंडित यहां से पलायन कर चुके थे। इस मंदिर का 34 साल बाद फिर खुलना स्थानीय कश्मीरी पंडितों के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। रामनगरी अयोध्या में सबसे बड़ा जादू समागम चल रहा है। दुनिया भर से आए 225 जादूगर अयोध्या पहुंच चुके हैं, जो 14 जुलाई तक अयोध्या में अपनी जादू कला का प्रदर्शन करेंगे। अयोध्या में भारत के तमाम राज्यों के अलावा जिन देशों से जादूगर आए हैं, उनमें नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के जादूगर शामिल हैं। इन जादूगरों ने सबसे पहले अयोध्या पहुंचकर भगवान रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और इसके बाद अपनी जादू कला के जरिए श्री राम लिखा बैनर भी प्रकट किया। कई जादूगरों ने तो ऐसा जादू दिखाया कि लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कब उनके हाथ से सिक्का गायब हो गया और किसी को पता ही नहीं चल सका। सिक्का गायब हो रहा है और आप देखिए जादू कला का यह प्रदर्शन। बताया जा रहा है कि अयोध्या धाम में जादू कराने के पीछे राम मंदिर ट्रस्ट का उद्देश्य अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देना और समाज में फैले अंधविश्वास को दूर करना है।
और इसीलिए अयोध्या में 14 जुलाई तक इस जादू समागम का आयोजन किया गया है। आपसे हम जरा देखेंगे कि क्या है आपके हाथ। मेरे पास ये कॉइन है, ठीक, और मेरे पास एक खाली हाथ है, रेडी 1 2 3, एक कॉइन और प्रोड्यूस होता है। ये जादू समागम आज भी होगा और इस दौरान इंटरनेशनल टैलेंट जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मौजूद रहेगी, जो रिकॉर्ड बनने पर प्रमाण पत्र भी जारी करेगी। देखिए, अयोध्या में जादू समागम तो शुरू हो गया, लेकिन इस पर विरोध भी शुरू हो चुका है। खुद साधु संत इस जादू समागम का खुलकर विरोध कर रहे हैं। अयोध्या में एक तरफ जादूगरों का समागम लगा है, वहीं इसका विरोध किया जा रहा है। इसे राम मंदिर के लिए कुर्बानी देने वाले कार सेवकों का अपमान बताया जा रहा है। साधु संतों का कहना है कि कार सेवकों ने अपनी जान इसलिए नहीं दी थी कि अयोध्या में जादू दिखाया जाए। जादूगर अयोध्या में आकर के जादू दिखा रहे हैं और भगवान राम के मंदिर में जाकर के चमत्कार दिखा रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं विरोध है। सबसे बड़े जादूगर हमारे श्री राम लला विराजमान है भव्य राम मंदिर में। वहीं इस जादू समागम को लेकर सियासत भी देखने को मिली, जहां विपक्षी दलों ने इसे राम मंदिर का मजाक और समय की बर्बादी बताया। वहीं बीजेपी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दुनिया का जो सबसे बड़ा जादूगर है, जिसकी उंगलियों से सारी दुनिया सृष्टि चलती है, उसके सामने इस तरीके के जादू का खेल दिखाना, मती मारी गई। और जिन लोगों की भी मती मारी गई है, उन लोगों को अभी प्रभु श्री राम की धरती ने हरा कर भी भेजा है, पर्यटन को बढ़ाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए। Z News।